सबसे पहले बात करेंगे कि कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके बारे में। तो कल हम लोगों ने सीरीज के चैप्टर नंबर 1 पर सीरीज जो है हमारा सीरीज जो है उस पर चर्चा हम लोगों ने की थी। तो सीरीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की सीरीज की हमने आपको बताई थी कि किस तरह से किस सीरीज को क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अलग अलग सीरीज हमने देखे थे और उसको कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बताया। सर इतने सीरीज में ना सर 5 नंबर वाला थोड़ा एक बार समझा दीजिए हमसे, 5 नंबर वाला में दिक्कत हो गया। इसमें इसके कितने, इसमें 19 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं टोटल? 19 नहीं क्वेश्चन। सर इसको सबने सॉल्व किया है ये बताइए, जी इसको सर, सबने उन्नीस किया या नहीं? क्वेश्चन बनाए थे सर। चलो, इसमें कोई दिक्कत कहीं पर? 1 नंबर क्वेश्चन में किन पे हाँ दिक्कत? सर, 5 नंबर थोड़ा नहीं, और सब सब समझ के सब का हल हो गया। सब सब बताते हैं एक एक करके। 1 नंबर, किसी को समस्या हो 1 नंबर? सर मुझे पता ही नहीं नहीं था ये सर, मैथमेटिकल रीजनिंग है, और मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने क्लास नहीं किया बीच में क्योंकि मेरा पेपर चल रहा था। अच्छा, आपको छोड़ के किसी को समस्या है क्या? 1 नंबर में तो नहीं आया सर। चलिए, 1 नंबर आपका डिफरेंस सीरीज है। कौन सा सीरीज है? डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस का मतलब कि उन दोनों की जो 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, पहला वाला टर्म और सेकेंड वाले में क्या करना है आपको, उन दोनों के बीच के डिफरेंट नंबर, खोलना। जैसे लिखने जैसे दिया हुआ है आपका 2 और 5, पहला क्वेश्चन 2, उसके बाद 5, 2 5 8 ये दिया हुआ है, लिखवाइए क्या क्या है। 11, उसके बाद 40। 2 5 8 11, उसके हाँ बाद 14, उसके बाद 17, उसके सेवेंटी, बाद डॉट हाँ डॉट सर, सब डॉट, डॉट हाँ, डॉट, उसके बाद 26, 26। 26। जब डिफरेंस सेल्स की बात होती है, जबकि क्या लगे कि गैप बहुत कम का है, क्या कोई डिफरेंस सीरीज है, देखना है 2 नंबर्स के बीच में गैप कम हो गई, बोल करके माइक म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? बड़ा इको रहता है सामने का। तो 2 नंबर्स के बीच में जो 2 नंबर दिए रहेंगे सीरीज में, उन दोनों के बीच में गैप बहुत कम होगा। क्या होगा? गैप बहुत कम के बराबर होगा। जैसे इसमें देखते हैं, 2 से 5 3 का गैप है, +3। जी और करना क्या होता है कि जो पैटर्न हमको दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है और उसी के अनुसार क्या करना है, आंसर करना है। अब 5 से 8 की तरफ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, +3, 8। 8 से 11 की तरफ +3, 11 से 14 की तरफ +3, 14 से 17 की तरफ +3। नहीं, अब अगला वाला क्या होना चाहिए? तो हर में +3 +3 +3 +3 कर रहा है, मतलब तीन तीन को जोड़ रहा है, प्लस मतलब जोड़ रहा, तीन तीन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा। तो अगले वाले में क्या करना चाहिए, 3 जोड़ने चाहिए। तो अगले वाला नंबर क्या है, 17, और 17 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। ट्वेंटी 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 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20। हमारा आंसर क्या होगा, 20। क्या यह आगे फॉलो भी करता है? बिल्कुल करता है। 20 में 3 को जोड़ेंगे 23, 23 में 3 को जोड़ेंगे तो 26। कोई दिक्कत? नो सर। तो सीरीज में जिस तरह से पैटर्न वो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है और उसी के अनुसार क्या करना है, आंसर बनाना। जैसे इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, लिखा हुआ है 45, पहला है 45, फिर लिखा हुआ 38। तो 45 से 38 कैसे आए होंगे, हम उसमें से 7 को घटा लिया है। अब इधर थोड़ा देखते हैं, 24 से 17 पे आए, मतलब 24 से 17 पर घटे 7, 17 से 10 पे घटे 7, नहीं 10 से 3 पर घटे 7, मतलब सब में क्या कह रहा है, 7 7 7 घटा रहा है। तो 38 में भी क्या करने हैं, 7 घटाने चाहिए मुझे। तो 38 में से जब 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 31। क्या बनेगा, 31। इसको बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस सीरीज। 2 नंबर्स के बीच में जो दिए गए नंबर्स हैं सीरीज के अंदर, उसके बीच में क्या करना है, गैप ढूंढना है कि क्या गैप है। नहीं, और ये बड़ा आसान होता है, इजी इजीली आप क्या करें, डिफरेंस के थ्रू आप उसको आंसर निकाल करके दे सकते हैं। यहां तक किन्हीं को दिक्कत, कोई भी समस्या तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते नो सर, नहीं सर, हैं। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है तो आप अपने पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि वो बोल दिया है, नहीं
नहीं सबके बदले नहीं, अब सब अपने अपने मालिक हैं यहाँ पे, नहीं कोई किसी के बदले नहीं समझ रहा है ना ही बता रहा है। चलो अगला वाला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको होता है अगर मैंने कहा था कि अगर मल्टीपल से नहीं बन रहा है, अगर डिफरेंस से नहीं बन रहा है, क्या नहीं कर रहा है, डिफरेंस से नहीं बन रहा है, टाइम पे आया करिए ठीक है, डिफरेंस पे नहीं बन रहा है तो फिर क्या करना है, देखना है कि मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना करना, ठीक है। अब इस सीरीज को अगर देखते हैं, दो से छह, दो से छह, छह से अठारह, अठारह से चौवन, तो हर एक बार में देखिएगा दो से छह कैसे गया होगा, दो गुने तीन, नहीं छह से अठारह, अब अगला वाला भी क्या करना होगा, चौवन में तीन से गुना करना पड़ेगा, चौवन गुने तीन, चौवन गुने तीन करेंगे कितना हो जाएगा, चार तिया बारह, बत्तीस, सोलह, 162। क्या अगले वाले को देखेंगे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, 162 गुने तीन करिए कितना होता है, 486 नहीं होता है, दो तिया छह, सोलह तिया, ठीक। अगले वाले को भी देखेंगे तो 486 गुने तीन करेंगे तो 1458 नहीं होगा, छतिया अठारह, एक, 63 18, वन, आठ, 24 और एक, 25, पांच दो, उसके बाद चार तिया बारह, सॉरी हाँ चार तिया बारह और दो 1458 आ जाएगा, बात क्लियर, दो छ अठारह चौवन 162, हमारा आंसर क्या आएगा सी, हमारा आंसर क्या आएगा सी 162, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, लिखा हुआ तीन बारह अड़तालीस, इसके बाद खाली स्थान, फिर 768, फिर 3072। तो सर कैसे समझेंगे कि यह मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज खुद ही बताएगा, क्योंकि जो दो नंबर्स होंगे उनके बीच में गैप बहुत बड़ा होगा, जो गैप मतलब दूरी बहुत बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर है बारह, फिर यहाँ पर अड़तालीस, अड़तालीस का देखें सीधा 768, मतलब किसी ना किसी नंबर से क्या किया गया है, गुना जरूर किया गया है, उस नंबर को ढूंढना होगा। जब गैप बहुत छोटा दिखे, इसका मतलब क्या समझना है कि यह डिफरेंस वाला सीरीज है। कौन सा सीरीज है, डिफरेंस वाला सीरीज, डिफरेंस वाला देखा, अगर डिफरेंस वाले ट्रिक लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो अगला ट्रिक तो हमको पता ही है कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन गुणा का, नहीं वो नहीं लगेगा तो डिविजन वाला होगा, वो नहीं लगेगा तो स्क्वायर वाला होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, हार नहीं माननी, क्या करनी है, हार नहीं माननी, डट के खड़े रहना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा खुद से। जैसे लिखा तीन, फिर बारह, फिर अड़तालीस, तो तीन से बारह, तीन चौका बारह, बारह गुने चार तो अड़तालीस, तो अगला वाला भी क्या करना चाहिए, अड़तालीस गुने चार, चार करें क्या हो जाएगा, 192, आठ चौका 32, दो तीन, चार चौका 16 और तीन 19, 192। अगले वाले को देखिए, अगले वाले में फिर वही रूल है, दो चौका 8, 69, 76, 768 है ना, क्या अगले वाले को भी देखेंगे तो फिर वही होगा, चार से गुना ही होगा, बात क्लियर, बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा रखना तरीका, गैप बहुत बड़े होंगे, दूरी बहुत बड़ी होगी मल्टीप्लाई, दूरी कम होगी डिफरेंस, डिफरेंस वाला अंतर वाला सीरीज, कौन सा सीरीज, अंतर श्रेणी, और अंतर श्रेणी में क्या करना है, डिफरेंस निकालते हैं, मल्टीप्लाई वाला में उस नंबर को ढूंढना है इस नंबर से इसे गुना किया गया है, वो मिल जाएगा, हथियार मिल गया, दवा मिल गया तो क्या होगी, बीमारी ठीक होगी ना, बस तो क्या करना है, सिर्फ आपको क्या ढूंढनी है, बीमारी और दवा, बीमारी कौन सी है, दवा कौन सी, बस उस बीमारी में वो दवा दे दीजिए, डॉक्टर्स भी यही करता है, सेम काम है टीचर, पहले बीमारी फिर उसके बाद दवा, ये नहीं कि पहले दवा फिर बीमारी, पहले बीमारी कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि उसी हिसाब से दवा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक, जैसी बीमारी होंगी उस तरह की दवा, इस दुनिया में हर मर्ज का दवा है, क्या है, हर मर्ज का दवा है, दुआ सुना है ना, हर ताले की चाबी है, बस जी सर, ताला इसको इस तरह से भी सर बोलते हैं हम लोग कि कोई जिसका कि समाधान ना हो। चलिए अगला सीरीज होगा
मल्टीप्लीकेशन के बाद हो सकता है या तुम डिवीजन वाला फॉलो किया होगा। तो सर डिवीजन वाला कैसे पहचानेंगे कि डिवीजन वाला है? तो यहाँ गैप लंबे होंगे लेकिन नंबर्स क्या हो रहे होंगे, धीरे धीरे छोटे हो रहे होंगे या बड़े हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर देखते हो 720 क्या लिखा हुआ, 720 और 120 नहीं, तो 720 से 120 कैसे आया? तो यहाँ पर जीरो को अगर हटा दे तो हम 12 का टेबल हमको याद है, नहीं हम जानते 12 सिक्स 12 छ 72, 12 छ कितना आता है 72, तो 120 6 अगर कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 720, 120 गुने 6 कर दिया जाएगा कितना आ जाएगा 720। यहाँ जी समय पर आया कर, ठीक है, बीच बीच में क्या होते हैं मुझे ऐड करने पड़ते, बड़ा तो मैं सिस्टम के पास इसलिए आज बैठा हूँ ताकि ऐड करने में आसानी हो, नहीं तो बड़े इधर से हो जाते हैं। 720 भागा 6 तो कितना हो जाएगा 120, या 120 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 720। अब 120 से वो कहाँ आ गया है, 24 पे आ गया, क्या आ गया 24 पे आ गया। हमें देखना है कि क्या 24 के टेबल में, 24 के पहाड़े में 120 आता है क्या। आप पढ़ेंगे 24 का टेबल तो 24 से कम 24, 24 दो ना 48, 24 छियानवे, 24 पंचे 120, तो भागा 5, मतलब 120 से 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। अब क्या आया है फिर 24 से वो 6 पे आ गया, कहाँ पे आ गया है 24 से 6 पे आ गया, कैसे आया होगा? तो 24 को उसने क्या किया है 4 से भाग किया है, 6 चौका 24 नहीं, तो अगला वाला भाग किससे करना चाहिए, 6 से भाग किया, 5 से भाग किया, 4 से भाग किया, तो अगला वाला भाग किससे करना चाहिए 2 से सर, हैं 3 के 2 से ही होगा, 3 का नहीं होगा, कोई दिक्कत, तर्क आ रहे हैं ना, हमने जब मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने से पहले मैंने तर्क बता दिया, तर्क मतलब उन चीजों को ढूंढना और उसी तरह से क्या करना काम करना। तो हमने ढूंढ लिया कि पहले बार 6 से भाग किया गया, फिर उससे एक कम किया गया, फिर भाग किया गया, फिर उससे एक कम किया गया, फिर भाग किया गया, फिर उससे एक कम करके हमको भाग करना है। तो 4 से एक कम करेंगे तो 3, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, इसलिए 1 आगे लिखा हुआ, ठीक है बालिका जी समझ में क्लियर, अब दिक्कत नहीं ना। चल ये 32 वाला है, क्या है 32, क्या लिखा है 48, क्या लिखा है 48, बोलेंगे कि आप तो कल बताए थे कैसे, इस तरह से ना, इस तरह से बताया था ना, नहीं हम तो इस तरह इसलिए हमने कल कैसे बताया था आपको, देखिए एक नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे गए हैं 32 प्लस 32 भागा 32 भागा 2, 32 भागा 2 तो ये 32 का 32 है और 32 से भाग 2 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16, जोड़ देंगे 48, मतलब क्या बात है सर, नहीं पहले खुद कहते हैं कि ये डिवीजन है फिर आप जोड़ घटा कर रहे हैं तो डिवीजन कैसे होगा, देखिए ये डिवीजन ही है, क्या है ये डिवीजन ही है। चल कैसे डिवीजन है तो बताता हूं, एक मिनट यहां पर पहले इसको इरेज करने दीजिए, बता देता हूं कैसे डिवीजन है। 32 में क्या करना है, भाग करना है 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, 0.5 का क्या मतलब होता है आधा, ठीक, किससे भाग करने हैं आधे से भाग करने, कितने कितने से भाग करने आधे से भाग करने, मतलब एक क्या जब आधा कर देंगे तो कितना बचेगा 0.5 बचता है उससे भाग करने, 0.5 से भाग करने 32 में कितना आता है 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, और उसको क्या करना है
अब इन दोनों के बीच में कितना गैप दिखिएगा, 16 का गैप है, एक गैप वो है, क्या है 16 का गैप है, फिर 48 में क्या करेंगे 0.5 से भाग करेंगे आधा से, कितना आएगा 24, गैप कितने का है 24 का, नहीं 32 से 48 गया हुआ है, तो 32 में क्या किया आधा से भाग कर दिया, आधा से भाग मतलब इसको 1/2 से गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा 16, और इसी 16 में 32 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 48, नहीं मतलब जो गैप है वो कितने का है उसके आधे का गैप, कितने का गैप है आधे का गैप, बात को समझा, कितने का गैप है आधे का गैप है, ठीक। इसी तरह से फिर 48 में क्या करेंगे आधा से भाग करेंगे 0.5 से, तो कितना आएगा 24, गैप कितने का है 24 का। सेम इसी तरह से वो क्या करने 72 को भाग करने किससे 0.5 से मतलब 1/2 से, कितना आएगा 36, 32 में कितना गैप करना है 36 को, गैप मतलब जोड़ देना है 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा 108, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, क्या है ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, नहीं इससे भी आपके क्या हो जाएंगे आंसर मिल जाएंगे। बोलेंगे नहीं सर एग्जैक्टली भाग करके दिखा दीजिए, एग्जैक्ट क्या करके दिखा दीजिए, एग्जैक्ट भाग करके दिखा दीजिए, भाग से ही बनाना है, उसके भी तरीके 32 में भाग करिए कितने से 1.5 से, डेढ़ से, कितने से 1.5 से, कितना आता है डेसिमल के भाग आपको पता है कैसे होते डेसिमल के भाग, पॉइंट हटाएंगे सर आप बताइए भाग करके, देखिए 21.33 जब कभी भी दशमलव का भाग करना तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, क्या करना है दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और जो नॉर्मली हम भाग करते वैसे देंगे, जैसे 15 × 2 = 30 कितना जाएगा 15 × 30 ठीक है, 15 × 2 = 20 क्या है 2 क्या आया 2 अब भाग लगेंगे क्या, नहीं तो क्या करना पड़ेगा दशमलव देना पड़ेगा, हाँ तो दशमलव का तो सर भाग ही दशमलव कैसे दे सकते हैं, दशमलव का तो क्या है भाग ही है, तो दशमलव कैसे देंगे किन्हीं को, किसी को पता है कैसे देंगे दशमलव, 2 देंगे सर 2 × 0 देंगे, दशमलव का भाग ही है तो 1 जीरो कम उतार सकते हैं ना जी सर, अगर दशमलव पहले से ही है तो 1 जीरो तो आसान से उतार सकते हैं, क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए, कितना 5 ठीक है, कितना सर ये 1 हो जाएगा दशमलव में 1, अब हमको क्या करना है 0 उतारने हैं, क्या है अब हमको क्या करना है 0 उतारने हैं, तो 0 उतारने तो के लिए क्या करना पड़ेगा अब दशमलव देना पड़ेगा, कितना 0 क्योंकि 1 दशमलव से 1 ही 0 ला सकते हैं ना, 1 पॉइंट से 1 ही 0 आ सकते हैं, नहीं भाग करनी है तो 15 आप क्या हो जाएगा 45 नहीं तो कितना 5 50 में 45 जाएगा तो 5 फिर 0 इस तरह से 3 3 3 3 जितना बार करते जाएंगे सिर्फ यही आएगा आंसर क्या बनेगा हमारा 21.33 तो 32 से पहले तो 21.33 नहीं लिखा हुआ है, नहीं शुरुआत तो 32 से हुई है, तो अगले वाले नंबर को देखते हैं 48 में क्या करिए 48 में भाग करिए 1.5 से, नहीं 48 में क्या करना है भाग करना है 1.5 से, कितने आते हैं 32 आता है करेक्ट है, चलिए अब उसके बाद 72 में भाग करिए किससे 1.5 से,
कितने आते हैं? 48 सर। 48 आते हैं, ठीक है। मतलब हर एक बार क्या किया गया, 1.5 से भाग किया गया। अब हमें क्या करने हैं, दिख रहा है क्या 162? नहीं, बीच वाला गैप है और आगे वाला नंबर कितना है 162, उसमें 162 में क्या कर दीजिए, 1.5 से भाग कर दीजिए। 1.5 से 162 में भाग करिए, कितना आता है? 108 सर। 108 आता है ना, हो गया डिवीजन सीरीज ढंग से, डिवाइड से ला दिया ना। ये भी अच्छा डिवीजन है सर। कोई भी, कोई किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। वो भी तरीका फर्स्ट वाला कल जो बताया था वो भी है, आज भी बताया है, ये भी तरीका है। नहीं, जिस तरीके से आपको सही लगता है उस तरीके से बनाइए, नहीं जिस तरीके से आपको सही लगते हैं वो बनाइए, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ तक, 6 तक कोई दिक्कत किसी को भी तो बता सकते हैं, आगे मतलब चलूंगा। 6 तक क्लियर ना? या तो डिफरेंस वाला सीरीज होगा, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो डिवीजन होगा। सर ये भी नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर कोई दूसरा होगा? नहीं, वही होगा जो हमारे राम जी चाहेंगे। चलिए ये ठीक है। उसके बाद हो सकते हैं कि वो एन स्क्वायर सीरीज हो। सर पहचाना ही कैसे कि एन स्क्वायर है? तो हमने स्क्वायर लिखा हुआ है और हम एक बार इतनी बार क्या करेंगे उसको ध्यान से देखे हुए, तो कभी भी अगर स्क्वायर से एक ऊपर या एक नीचे वाला नंबर हो या एग्जैक्ट स्क्वायर हो, जैसे नंबर सीरीज में लिखा रहो 1, 4, 9, 16, 25, 36, इसका 49, 64, अरे ये तो स्क्वायर है, जैसे ही दिमाग देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो स्क्वायर है। या 16 की जगह 15 लिखा रहे, 25 की जगह 24 लिखा रहे, या 36 की जगह 35 लिखा रहे, या 36 के मतलब एक बढ़ा करके या एक घटा के लिखा रहे, तब भी हम पहचान जाएंगे। अगर हम इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्या है, एक एक किसका स्क्वायर है? एक का ही। अगर एक का हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, एक ही आएगा? नहीं, स्क्वायर और क्यूब तो पता है ना क्या करना है। स्क्वायर मतलब उस नंबर को दो बार गुना करना, जिस नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, एक का वर्ग क्या होगा, एक, उसको स्क्वायर कहते हैं। एक के क्यूब क्या होंगे, क्यूब मतलब होता है घन, घन का मतलब एक ही उसी नंबर को क्या करें, अपने आप से तीन बार गुणा करना, तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो खाली स्थान में क्या होना चाहिए, 49, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, कितना है ना, है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 को देखते हैं तो भी वो सिर्फ सेम टू सेम ऐसा ही है, क्या लिखे हुए, 0। सर 0 किसका स्क्वायर होगा, तो 0 का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 भी तो एक नंबर ही है ना, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 को 0 से गुना करेंगे तब भी 0 होगा, और किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तब भी क्या होगा, किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 0 0 ऐसा है जो किसी भी नंबर को गुना करें क्या कर सकता है, 0 कर सकता है। ठीक, चलिए अब लिखा हुआ 0, 4, 16, 36, 64, 144। सर स्क्वायर तो है लेकिन गैप लग रहा है, बिल्कुल गैप है। पहली बार क्या किया है, 0 का स्क्वायर निकाला है, उसके बाद एक को, एक अंक को छोड़ दिया, दूसरे नंबर पर गया, तो 0 के बाद होता है एक, एक को छोड़ दिया, 2 पे गया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। फिर 3 को छोड़ दिया, फिर 4 को ले लिया, 4 का स्क्वायर। फिर 5 को छोड़ दिया, 6 को ले लिया, 6 का स्क्वायर 36। फिर 6 को ले लिया है, 7 को छोड़ा है, 8 को लिया है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब हमें क्या करना है, 9 को लेंगे क्या, नहीं, ये सब बार में देखा है हमने, एक एक को छोड़ दिया, 8 के बाद एक को छोड़ना है, 9, 9 को छोड़ दिया, 10 क्या क्या, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक,
ये हो गए एम स्क्वायर वाले स्क्रूज, क्योंकि बिल्कुल आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? परफेक्टली स्क्वायर आपको दिख जाएंगे। हो सकता है कि वो परफेक्टली स्क्वायर ना दिखे, वो एक ऊपर हो, मतलब इसमें एक जोड़ दिया गया हो, एक घटा लिया गया हो। क्या किया गया हो? एक जोड़ दिया गया हो या एक घटा लिया गया, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब सॉल्व ऐसे करना है। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, ऑप्शन नाइन, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 65 नहीं, 2 का देखते हैं। 2 कैसे किया गया होगा? तो सर 1 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1 और उसमें 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। फिर अगला 2 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि सर 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह अगला वाला 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अगला चलते हैं सर, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 1 17। अगला दिखाते हैं, उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 26। फिर 6 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 37। अगला वाला क्या होना चाहिए? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 1 50। ठीक है, अगले क्या जाएंगे? 50। बात समझ में आया? 2, 5, 10, 17, 26, 37 कैसे पहचानेंगे? तो यह जस्ट स्क्वायर से या तो एक बड़ा होगा या तो एक कम होगा। अगर वो ट्रिक नहीं लग रहा है तो फिर अगला ट्रिक लगाएंगे। कौन सा? कहीं एन स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं, ये दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं, एन स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं, क्या हो जाएगा? 0, 3, 8। सर ये 0 कैसे लाया होगा? तो 0 ऐसे लाया होगा कि इसने क्या किया होगा? 1 का स्क्वायर किया होगा। क्या किया गया होगा? 1 का स्क्वायर किया होगा। और उसमें से एक घटा लिया गया होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 उसमें से घटा लेंगे तो 0 बचेगा ना। सर 3 कैसे किया होगा? तो 2 का स्क्वायर और घटे 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3। फिर 8 किसे किया होगा? तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सर होता है 9, 9 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। फिर सर 15 किया है तो 4 का स्क्वायर घटेगी, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15। इसके बाद 24 सर, 25, 5 का स्क्वायर घटे 1 कितना? 24। फिर उसके बाद 35 है सर, 6 का स्क्वायर घटे 1, 6 का स्क्वायर 36 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 48 सर, 7 का स्क्वायर किया गया होगा घटे 1 किया गया होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 1 48। सर 63 किया गया, मतलब 8 का स्क्वायर और घटे 1 कितना? 63, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है और उसमें से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। सर अगला वाला क्या करना चाहिए? 9 का स्क्वायर कितना इसका है? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना? 81, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। आंसर है आपका ए। ठीक, अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला वाला, क्योंकि हमारे पास चाबी बहुत सारी है। क्या है? चाबियां बहुत सारी हैं, हार नहीं मानो जब तक ही खोल ना दो। चलिए अगली चाबी कौन सी है? तो है एन स्क्वायर प्लस एन या एन स्क्वायर माइनस वन, ये तरह में स्प्रिंट हो गया। एन स्क्वायर प्लस एन होगा सीरीज में एस ई आर, एस ई आर आई एक्स हो गया। एन स्क्वायर प्लस एन या एन स्क्वायर माइनस एन, जैसे लिखा 0, 2, 6, 12, 20, 30, 56। अब जिस नंबर को क्या किया है? उसने स्क्वायर किया, उसी नंबर को घटा लिया। जैसे 1 का स्क्वायर घटे 1 जीरो, 2 का स्क्वायर घटे 2
जिस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर को क्या किया, घटा लिया गया। दो का स्क्वायर हो गया चार, और चार में से दो घटाएंगे तो दो, ठीक है। इसके बाद आया छह, तो छह कैसे आया होगा, तो तीन का स्क्वायर घटे तीन, पहले तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ, नौ में से तीन घटाएंगे कितना हो जाएगा छह, इसके बाद आया है सर चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह में चार जाएगा कितना हो जाएगा बारह। इसके बाद बीस आया है सर पांच का स्क्वायर माइनस पांच, सर पांच का स्क्वायर कितना पच्चीस, पच्चीस में से पांच गया तो बीस। उसके बाद छह का स्क्वायर सर घटे छह कितना हो जाएगा तीस, क्योंकि छह का स्क्वायर होता है छत्तीस, छत्तीस में से छह घटाएंगे कितना हो जाएगा तीस। अगला वाला क्या करना है, सात का स्क्वायर घटे सात, सात का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 49 सर 49, उसमें सात घटा लेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आज समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सही सही जी जी सर, बहुत आराम से समझ में, कूल होकर भी कूल, ऐसे कूल कूल है ही, मौसम बहुत ही कूल, हाइपर नहीं होने, क्योंकि हाइपर होने से काम खराब हो जाता है। आज गीता पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था हाइपर होने से क्या होता है, काम खराब हो जाते हैं, इसलिए हाइपर नहीं होने, कूल होने, क्योंकि जब हमारे दिमाग एकदम परफेक्ट सिचुएशन होंगे तो जो क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे वो भी बन जाते हैं, और जब दिमाग को क्या करते, दिमाग के साथ आंख में चौली खेल रहे होते हैं, मतलब इधर ले गए उधर ले गए, तो वो क्या करते थे क्वेश्चंस नहीं बनाए, वो भी थक जाते हैं, दिमाग को बड़े कूल रखने। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्या होगा क्या है 12 में, बोला क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दिए हुए हैं क्या, एन क्यू सीरीज, क्यू मतलब क्यू एक का घन, अब लिखा हुआ एक, एक का घन कितना होगा, अगर एक का घन निकालू तो एक ही होगा, दो का घन कितना होगा, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125, छह का 216, तो अगला वाला क्या होना चाहिए सात का, 343 हो जाएंगे आप देखिएगा ना, इतनी आसान, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, जैसे ही जैसे हो गया ना, ये है, ये मंत्र है, ठीक है, और वहां पर क्या, ये मंत्र है, ठीक है, अब जैसा मंत्र लेके जाएंगे मंत्र सिद्ध नहीं कर देना, वहां पर देखने हैं कि यजमान कैसा है, यजमान जो है वो कैसा है, पैसा देने वाला है, हाँ, तो जितना देने वाला है उसी तरह से मंत्र पढ़ने, ये नहीं कि पूरा पढ़ देना, बोलेगा पंडित पागल हो गया, ठीक है, जिस तरह उसी तरह से मंत्र को पढ़ने, ये सारे मंत्र है, नहीं यजमान को देख लेना कितना कितना जेब ढीला कर सकता है, अगर ज्यादा डेरा ढीप करने वाले खूब दीजिए, वो भी संस्कृत में बात भी करिए, संस्कृत में जलम लाइए, जल लाइए, और अगर कब ढीला करने वाले तो क्या करना है, अरे पानी लाना, नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चंस जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से मंत्र को वहां पर क्या करना है, फिट करना, नहीं मतलब वहां पर जजमान कौन होंगे, क्वेश्चन एनटीए जजमान देखना है किस तरह के क्वेश्चन को दे रहा है, उसी तरह से क्या करना है, ज्ञान को रखना, कब हल्का पूछ रहा है, हल्का है, क्योंकि अगर वो हल्का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हम अपना ज्ञान उड़ेल देंगे तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ज्ञान उड़ेलने से क्या होता है, दिमाग ज्यादा चलने लगती है, उसको ज्यादा चलाना नहीं, जितना ही है उतना ही चलाना है, अगर क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल पूछ रहा है अंदर से, अब उड़ेलने की जरूरत है, अब दिमाग में जितने भी ज्ञान है सारे उड़ेल दीजिए, अब देखिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लगा दीजिए, ठीक है, तो क्योंकि प्रोफेसर को हमेशा पता होना चाहिए कब बच्चों को क्या करनी है, ढील देनी है, और कब टाइट करना है, टाइट कर दे, पतंग उड़ा है ना, कि कब ढील देनी है और कब कसना है ये पता होना चाहिए, नहीं तो पतंग कट जाएगी, क्या हो जाएगी, पतंग कट जाएगी, यही गेम है, ठीक है, नेट एक गेम है, चलिए इसी गेम को समझना, चल आगे बढ़े,
लिखा हुआ एन क्यू प्लस वन सीरीज, ये हो सकता है कि अगर एन क्यू ना हो तो वन करके हो, जैसे लिखा हुआ है टू, तो टू की अगर बात करेंगे तो वन का क्यू प्लस वन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। सर थ्री का क्यू सॉरी टू का क्यू प्लस वन, टू का क्यू कितना होता है आठ, और आठ है एक नौ, तीन का क्यू प्लस वन, तीन का क्यू कितना होता है सत्ताईस और एक अट्ठाईस। उसके बाद फोर का क्यू प्लस वन, फोर का क्यू कितना होता है चौसठ और एक पैंसठ। फिर पांच का क्यू प्लस वन, पांच के क्यूब कितने होते हैं 125 और एक 124। छ का क्यूब प्लस वन, तो छ का क्यूब कितना है 216 और एक 217। आठ का क्यूब सॉरी सात का क्यूब प्लस वन, सात का क्यूब कितने होते 343 और एक 344। इसके बाद आएंगे कौन से आठ के क्यूब, आठ के क्यूब कितने होते हैं 512 जोड़ेंगे जो कितना होगा 513 होगा सर, 513 कितना हो जाएगा 513। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, नहीं, नहीं कितने पहले से इसे वो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद लेटर और भी है क्या नहीं, इस सॉरी जितने नंबर सीरीज वाले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब कौन से आते हैं आपके, अब आपके आते हैं लेटर सीरीज, सीरीज या तो नंबर्स के फॉर्म में पूछेगा या तो लेटर के फॉर्म में पूछेगा, आपको देखना है कौन है कौन सा पूछता है, नहीं आपके भाग्य किस में आते हैं लेटर वाले में या नंबर वाले में, दोनों आएगा बिल्कुल सही है। इसमें अगर वन लेटर सीरीज हो तो बड़ा हल्का है, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, और हम कोडिंग डिकोडिंग भी हमने पढ़ा हुआ है, नहीं जैसे मैंने कहा भी था इस तरह से क्या करना है लिखना है, इस तरह से लिखे है कि नहीं, जैसे चैप्टर नंबर थ्री में लिखा हुआ आपके। हाँ सर लिखे है, लिखे हुए सर। हाँ इस तरह से लिखे हुए, इसका क्या फायदा है वो बताएंगे भाई, तब तक लेटर सीरीज को सॉल्व करते। क्या लिखा हुआ ए, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद जी, सर ए के बाद बी मतलब कोई गैप नहीं, बी के बाद क्या लिखा हुआ ए के बाद ए, ए के बाद लिखा हुआ बी, एक गैप बी, एक कोई गैप है क्या नहीं सर, नहीं, बी के बाद लिखा हुआ डी, एक गैप है, तो लेटर कौन है सी, डी के बाद लिखा हुआ जी, सर दो गैप है, ई टी है, दो गैप है, तो अगले वाला गैप कितने का होना चाहिए तीन, तीन, तो जी के बाद तीन छोड़ देंगे, तो जी के बाद तीन छोड़ेंगे तो आई जे, आई जे ये छूट जाएगा, बचेगा क्या के, क्या होता है के, एक बार आगे मिला लूं क्या सर, क्रॉस कर लिया बिल्कुल मिला लीजिए, के बाद क्या है पी लिखा हुआ, तो के बाद चार छोड़ना पड़ेगा, तो एल एम एन ओ के बाद क्या होता है पी, वही लिखा हुआ है ना जी सर, क्या हो जाएगा के, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम अगला वाला भी है, क्या लिखा हो सेम टू सेम अगले वाले भी है, क्या है अगले वाले में, तो लिखा है बीई, बीई एच के एन, तो बीई अगर बात की जाए किसकी बात की जाए, बीई की बात की जाए, तो बी के बाद क्या लिखा हुआ ई, तो बी के बाद ई लिखा हुआ मतलब दो गैप किया हुआ है सी और डी को, एफ जी का गैप है, एच के बाद के लिखा हुआ है कितने गैप, आई जे का गैप है, फिर के बाद क्या लिखा हुआ है एन, तो एल एम का गैप है, अगला गैप क्या होना चाहिए दो, एन के बाद क्या करेंगे दो छोड़ देंगे, एन के बाद क्या होता है ओ और पी, नहीं ओ और पी, ओ पी को छोड़ देंगे क्या बनेगा हमारा आंसर क्यू, क्या बनेगा ये थे वन लेटर सीरीज, नहीं हालांकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं रेयर केसेस, ठीक है, पूछे क्या जाते हैं तो पूछे जाते हैं आपको टू लेटर सीरीज, नहीं थ्री लेटर्स में सर, थ्री लेटर्स थ्री चार ऐसे करके पूछे, हाँ टू लेटर सीरीज थ्री फोर कितने भी पूछ ले, नहीं हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज, इतना बताया गया है इतना पढ़ाया गया है कि आप सबसे बेहतर, हमेशा सोचना क्या करनी है हम सबसे बेहतर, लेकिन ये नहीं उसके लिए घमंड नहीं करना है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, एक दूसरे को बताना नहीं दिखाना नहीं है, हम बेहतर हैं हम जानते हैं चीजों को, क्वेश्चन आ जाए तो चार पूछे पांच पूछे, हम कहाँ से पढ़े तेजस से पढ़े, तेजस मतलब तेज खुद ही हो जाती है, नहीं क्योंकि यहाँ आने के बाद ही तेज हो जाती है पढ़ने के बाद, एक के बाद क्या होता है बी, एक के बाद यहाँ पर जैसे ही दो नंबर वाले आएंगे
यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐसे सोचना है कि बड़े भाई की शादी होगी बड़ी बहन से, नहीं इधर से लड़का बड़ा होगा उधर से लड़की बड़ी, छोटी वाली की छोटी वाली से, ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ए बी, उसके बाद सी डी। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कोई भी गैप नहीं है, ए बी सी डी जैसा लिखा जाता है ना वैसे लिखा हुआ। तो ए बी सी डी, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, ई। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, ई क्या जाएगा, ई क्यू। अब दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ देखना है, एम एन ओ पी, अगला क्या होना चाहिए, क्यू। क्या होना चाहिए, क्यू, ई क्यू है क्या ऑप्शन में, क्यू के बाद क्या होता है, आ, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, जैसे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही है। ए के वाले का हुआ डी, सर यहाँ तो फिर गैप किया हुआ, बिल्कुल बी और सी को छोड़ दिया है, कितको छोड़ दिया, बी और सी को, डी के वाले का हुआ जी, तो कितने को छोड़ दिया है, दो को, ई एफ को छोड़ दिया है, तो अगले में हमको दो छोड़ने हैं, तो जी के बाद दो छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एच छूट जाएगा और आई, जी एच आई, तो क्या होना चाहिए, जी, क्या होना चाहिए, जी। बी के बाद लिखा हुआ ई, कितने का गैप है, दो का, सी डी, ई के बाद एच लिखा हुआ, एफ जी, एच के बाद फिर दो छोड़ने हैं, आई जे, तो क्या हो जाएगा, के जे के, जस जे के, नहीं आंसर क्या बनेंगे हमारे, जे के। ठीक है, दो, ये बात होगी किस पर, दो लीटर सीरीज, किसकी बात रहेंगी, दो लीटर सीरीज की बात रहेंगी। अगर सर तीन लीटर सीरीज आ गया तो अभी नहीं घबराना है, तीन लीटर सीरीज आएगा तब भी सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। पहले वाले को पहले वाले के साथ, तो एक वाले का हुआ सी, मतलब एक गैप छोड़ दिया है, उसके बाद हमको खुद एक गैप छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, सी के बाद होता है डी, डी को छोड़ देना है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पहले वाले के साथ पहले वाले के मैच कर लिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, बी के बाद लिखा हुआ है डी, एक गैप, तो डी के बाद क्या करना है, एक गैप छोड़ना है, तो डी में ई छूट जाएगा, तो क्या होगा, एफ, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, लिखा हुआ डी और एफ, तो डी के बाद ई को छोड़ना है, एफ, एफ के बाद फिर एक छोड़ देना है, क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी छूट जाएगा, क्या होगा, एच, क्या होगा, एच, ई एफ एच है क्या ऑप्शन में, यार 18 का ही हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना कहीं पर, यस सर, हाँ कोई भी समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, के बाद क्या लिखा हुआ, एल, एल के बाद क्या हो जाएगा, एम, क्या हो जाएगा, एम, यहाँ पर उल्टा, अब देखिए जेड से पहले क्या आता है, वाई, तो जेड से पहले आता है उसको लिखा है, तो वाई से पहले क्या आता है, एक्स, इसको लिख देंगे, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं है ना, हल्का क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 19 तक में किसी को कोई समस्या है तो बताइए, इसमें जितने भी ट्रिक बताए गए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो ये बता दीजिए पहले, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं दिक्कत है। अब हम चलेंगे थोड़े प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आए, नहीं पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, उसके लिए पीछे आपके बुक के पीछे क्या है, मैथमेटिकल के बुक के पीछे पेज नंबर लगभग 56 या 57 होगा, ठीक है, आपको क्या किए गए, सीरीज के क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें लेटर सीरीज भी है और नंबर सीरीज भी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आपको दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9, कोई बनाए हैं ऑनलाइन वाले, यस सर, हाँ बन गया था, यस सर 47 आंसर था, 47 आंसर, जी सर। चलो जिनको नहीं बनाया वो अभी बनाएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, यू हैव 2 मिनट्स ओनली, तो फिर हमको भी बताना पड़ेगा ना, ज्यादा समय नहीं, फटाफट पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना सब पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि सीधे बैठे हैं,
चल आज मैथ्स का क्वेश्चन देख लेता हूँ कैसे बता रहे हैं। नहीं सर लेके बैठे हुए। कभी भी जब भी मैथ्स की प्रॉब्लम हो रही कोई भी क्लासेस में नोट्स कॉपी पेन सब कुछ लेकर के एक परफेक्ट विद्यार्थी की तरह, क्योंकि जो परफेक्ट स्टूडेंट होगा वही परफेक्ट टीचर बनेंगे। आप कभी भी आएंगे देखेंगे ऑफिस में पूरे मेरे टेबल पे पड़ा रहता है कॉपी से, मैं बोलता बेटा कि भैया वहां रख दीजिए, नहीं रहने देना सामने, सामने रहने से दो फायदे होते हैं, कभी कभी उलट पुलट के देखना होता है, दूर रखा रहेगा तो फिर देख नहीं पाओगे ना। कॉपी दो तीन कॉपी रहती है, नोट्स रहते ही है, कुछ कुछ पढ़ना है, कुछ कुछ उसमें सुधार करना है। हाँ सर आ गया 47। कितना है 47 है, आ गया 47। चल एक बार क्वेश्चंस लिख लेते हैं, सबको आया 47? नहीं यस सर आ गया। चलिए माइनस एक, उसके बाद लिखा हुआ है 5, उसके बाद क्या लिखे हुए हैं 15 मेरा भी आ गया 47 और 29 ये है ना जी सर, तो डॉट डॉट ऐड है इसमें सर। जी सर क्या लगता है क्या करना चाहिए सर, जोड़ना चाहिए, जोड़ेंगे सर। अगर मैं ऐसे सोच रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता सर इसके बारे में, मैं पहली बार इसको सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे देख मैं पहली बार से इसको देख रहा हूं और अभी जस्ट हमने ट्रिक खत्म किया है। अगर मल्टीप्लाई लगाऊं तो 1 × 5 नहीं दिख रहा है, 5 × 15 पंद्रह दोनों है क्या, मतलब 3 तो क्या होना चाहिए 2, 15 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 मल्टीप्लाई है नहीं, नहीं सर। चलो और देखते हैं डिफरेंस होगा क्या, एक जी सर नहीं मतलब 10 फिर 14 गैप है, उसके बाद देखते हैं क्या स्क्वायर से सॉल्व होगा क्या स्क्वायर वाला 29 तो नहीं, 29 ना n स्क्वायर है 1 जा रहा है ना n स्क्वायर m माइनस n आ रहा है, जितने भी ट्रिक लगाए सब फेल। क्वेश्चन देखा सारे ट्रिक फेल। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो चीजें मन में आएंगी, क्या आएंगी मन में, दो चीजें आएंगी, मास्टर पैसा ठग लिया यार, क्या लिया टीचर ने पैसा ठग लिया, पहली बात आती, दूसरी बात आती इस बार तो एग्जाम फेल हो गया होगा नहीं। तो जब क्या हो, कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, आज ही श्रीमद भगवत गीता पर है कि जब तुम लगे कि तुम बहुत ही गिर गए हो, मतलब तुम सफलता के उतने ही करीब पहुंच गए, यहीं पर एक क्या करना है, एक सही स्टैंड लेना है, सही राह चुननी है, जितने भी चीजें हैं सब लगा दो, क्योंकि यहां तो तुम कुछ नहीं है तुमको आता है, तो कुछ भी मत सोचो, जितना भी तुम्हारे अंदर ज्ञान है, उन्होंने कहा कि जो भी तुमने देखा नहीं होते ये सारे मारे जा चुके हैं, सब मोह माया है कि ये मेरे चचा है बाबा, सब मोह माया है, ये सब कुछ नहीं, जितना भी तुमने सीखा है ना सब लगाओ, इसी तरह जितना हमने सीखा है ना सब लगा देंगे। हमने पहला क्या सीखा है, हमने पहला सीखा है डिफरेंस, पहली मंत्र को दी गई थी कौन सी डिफरेंस वाले, उस मंत्र को क्या करेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे मतलब उसको करेंगे, तो 1 से 5 माइनस, वो भी माइनस 1 से 5। तो सर ने हमको बेसिक क्लास में सिखाई थी कि एक नंबर लाइन होता है, क्या होता है एक नंबर लाइन, इसके बीच में 0 होता है, जो उसके दाएं तरफ क्या होते हैं नंबर पॉजिटिव में होते हैं, नहीं धनात्मक रूप में होते हैं, और एक तरफ क्या होते हैं ऋणात्मक रूप में होते हैं, क्या होते हैं संख्या ऋणात्मक रूप में होते हैं नहीं, और उस धनात्मक ऋणात्मक की दूरी को क्या करना है हमको कम करना है। कुछ नहीं आ रहा ये तो पता होगा ना, ये तो लाइन याद रहेंगी, रफ सीट दी रहती है फटाफट बना दीजिए। अब यहाँ 1 से 5 तक जाने हैं, तो माइनस 1 से 5 तक जाने हैं तो कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी 6 सीढ़ी जैसे माइनस 1 देखते ना आधा माथा उसी दिन खड़ा है, क्या पूछ दिया सर ने तो माइनस 1 बताया नहीं, दुखी मत होने, दुखी नहीं होने, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो अगर माइनस 1 में हम क्या करें 6 को जोड़ दें, मतलब 6 पायदान ऊपर जाए 6 को जोड़ दें तो क्या पहुंच जाएंगे 5 पहुंच जाएंगे, 5 से 15 पहुंचने का कोई तरीका है क्या, हाँ भाई तरीका है, लेकिन तुमको कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा 10 सीढ़ी 10 जोड़ दीजिए, फिर
15 से 29 चढ़ जाने में, हाँ है, 14 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो एक बार यहाँ पर अब जाके कॉमन आ रही। जब इतना सॉल्व कर लेंगे तो क्या होता है कि जब मुसीबत में डट के खड़े रहेंगे ना तो भगवान वहां पर मदद करने के चले आते हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो मदद करने के लिए आप आ जाएंगे, क्या करेंगे, मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे कि चलो यह साहसी, यह क्या है, यह साहसी आदमी, इसको तो भाई क्या करना है, इसको तो पहुंचाना है मंजिल तक। अब वो तुम्हारी मदद करेंगे, देख रहे भाई, उसको आपके दिमाग में कहेगा अरे 6 से 10 मतलब प्लस 4 का डिफरेंस है, फिर 10 से 14 मतलब हर एक बार 4 बढ़ा करके जोड़ रहे। 29 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 29 में बढ़ा के पहले 14 में 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो 14 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 29 को बढ़ा देंगे 18 प्लस 29 तो 29 प्लस 8 37 और 10 47। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल विपरीत आ सकते हैं लेकिन मंत्र नहीं भूलनी, ठीक है, मंत्र और भरोसा नहीं छोड़ना, मंत्र भरोसा रहेगा आसान से बना पाएंगे, है ना। अगर कोई फर्स्ट टाइम बिल्कुल कंफ्यूज होता, मैं भी आपके जगह मैं भी होता, मैं भी कंफ्यूज होता, लेकिन एक चीज वही क्या, हमें मंत्र याद रखने और भरोसा रखना, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ के आई हूँ, मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आता तब भी आप बनाएंगे क्योंकि आप पढ़ के, जितने भी मंत्र है उन सबको लगाना शुरू करें। किसको नींद आ रहा है, आप ही ले रहे हैं बिल्कुल, नहीं कंबल में बैठे क्या, इसीलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ये एक क्वेश्चन, फटाफट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये लेटर सीरीज है ना, अभी 3 लेटर पर, जल्दी जल्दी जैसे कैप्टन कहता रहता है ना बॉलर को, डाल डाल मिलेगा 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 बाबू मिलेगा, इसी तरह से सॉल्व करो आंसर मिलेगा मिलेगा, आंसर कहाँ जाएगा, मिलेगा ही। आप सब प्लेयर्स है हमारे, ठीक है, मैं कैप्टन हूँ, ठीक है, आप सब अच्छा खेलेंगे हम जीतेंगे, तो सब मिलकर क्या करेंगे, अगर आप लोग अच्छे से नहीं खेले तो फिर समस्या हो जाएगी, सब मुझे ही गाली देंगे, अरे कप्तान अच्छा नहीं है, कैप्टन ही अच्छा नहीं है, कैप्टन थोड़े मैच में कैप्टन नहीं, क्या होते हैं प्लेयर्स, यू ऑल हफ्ते जैसे कहते हैं, क्या है जेड के यू, जेड क्यू के यू, के यू या यस बी, चल मैं देख लेता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा। मतलब सर जेड सी ए से जेड सी ए और उसके तब जेड के यू होगा सर, लास्ट का बताए थे ए बी डी, ये लिखा हुआ ए बी डी है, ए बी डी है, फिर डी जी जी के, डी जी के एच एम एस, एच एम एस, एम टी वी, एम टी वी, एस बी एल, अगला ढूंढने की बोल रहे डॉट डॉट वन। हाँ, जब हमें कोडिंग याद आ जाएगी आपको बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगी, जब तक कोडिंग हमें याद नहीं है तब तक ऐसे करते हैं। ए के बाद क्या लिखा हुआ है, डी, तो कितने है क्या, बी सी का 2, डी के बाद एच, ई एफ जी, 4 का गैप कैसे हो जाएगा, ई एफ जी 3 ही गैप हुआ ना, अगले वाला आई जे के एल 4 का, अगले वाले में क्या गैप होगा, 5 का होगा, 5 का गैप होगा तो कितना हो जाएगा एस, तो एस से कितने गैप करने होंगे आपको, 6 गैप, 6 नंबर 6 लेटर को छोड़ना होगा, तो एस के बाद होता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 6 लेटर छूट गया ना, क्या बचा जेड, क्या बचा जेड। अब दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले के साथ, बी के बाद लिखा है सीधा जी, नहीं तो बी का, तो बी के बाद जी सी
डी ई एफ, जी के बाद लिखा है सीधा एम, तो एच आई जे के एल, चार पांच, तो अगले वाले में कितना छूटा होगा, छ, उसके बाद सात, अगले वाले में कितना छूटना है हमको, आठ, तो बी के बाद आठ लेटर को छोड़ना है, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे, सात को लेटर छूटा, छूट गया, तो क्या बचेगा, के, सात को छोड़ गया ना, सात छोड़ दिए जी सर, उसके बाद तीसरे वाले को, तीसरे वाले के सर, तो लिखा हुआ डी के, डी के, डी डी के बाद किसी लिखा हुआ के, तो क्या छोड़ा है, ई एफ जी एच आई जे, कितना, छ को छोड़ा है, के बाद लिखा हुआ एस, क्या लिखा हुआ के बाद एस, कितने को छोड़ा होगा, के, एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब हर बार छ को छोड़ा है, नहीं हर एक बार में क्या क्या, छ छ को छोड़ा है, एल के बाद छ छोड़नी है, तो एल के बाद छ छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं छ को छोड़ा है ना, एल के बाद हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू आर, इसका आंसर क्या बना था, जीयू सर, छह नहीं ना छूटेगा सर, नौ छूटेगा इसमें ना, मतलब जैसे जैसे बढ़ते गया ना, एक छह के बाद सात को छोड़ा क्या, हाँ सॉरी सात को छोड़ा, हाँ सात, आठ नौ, फिर आठ नौ, क्यू आर एस टी, कितने, टी चार, एक दो तीन चार, चार आठ, यू है आंसर क्या इसके, जी सर, जेड के यू, जेड के यू होगा, कितने यहाँ से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी को छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जी बोलेंगे सर इतना लंबा करेंगे बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम नहीं जाएगा, जब आपको कोड पता होंगे नहीं तो आसानी से सॉल्व कर सकते, कैसे कोड से सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे ए बी डी, उसके बाद लिखा हुआ डी जी के, ए का कोड कितना, ए वन, और डी कितना होता है, चार, ए के बाद लिखा है चार को, डी जी के बाद क्या, डी जी के बाद के बाद क्या लिखा हुआ है, एच एम एस, एच एम एस, एच का कोड कितना होता है, आठ, आठ नहीं, तो एक चार आठ, प्लस तीन प्लस चार, इस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, नहीं तो कोडिंग याद रहेंगे तो उससे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक, जब तो कोडिंग याद नहीं तब तक तो इस तरह से कर, धीरे धीरे जब हम सॉल्व करते रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके कोड याद हो जाएगा, ए का कोड कितना है, दो का कोड कितना है, रटना नहीं है, जब हम बनाते रहेंगे तो उसको सामने रखेंगे, बनाते 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 आ जाएगा, नहीं क्योंकि कहता है करत करत अभ्यास से, इतना अभ्यास करेंगे कि भाई पत्थर पर तो याद हो जाएगा, तो मेरा तो माइंड है ना, हमको तो याद होगा ही होगा, ठीक, चलिए इसके बाद आपको क्या करने है, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें सॉल्व करने हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को, घबराना नहीं, जा बन ही नहीं रहा है तो छोड़ देता हूं, नहीं दर्द हो जाना चाहिए, ठीक है, दर्द हो जाना चाहिए, सफलता तभी मिलेगी जब क्या होगा, एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे तब, तो क्या करने, नहीं भी सॉल्व होगा तो अगला क्वेश्चन, ये नहीं सॉल्व हो रहा अगला, और अगला और अगला और अगला और अगला, इस तरह से, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करेंगे, है ना, दस बीस पचास जितने हो सकते आपको जरूर ट्राई करेंगे, और जो समस्या होगी वो क्लास में पूछते रहेंगे, कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर करेंगे चर्चा, कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप घर में बैठ करके प्रैक्टिकल पार्ट है ये, तो प्रैक्टिकल पार्ट को आपको करना होगा तो आप सॉल्व करिए, पांच दस जितने हो सके उतने कोशिश करेंगे, ज्यादा हो सकते ज्यादा, कम होंगे कम, लेकिन जितना करेंगे बड़े ही दिमाग एकदम शांत करके हमको सॉल्व करने, दो एक बार और ध्यान में रखनी है, क्या हमें सब कुछ सीखने का फिर से मौका मिल रहा है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, है ना, चलो सबको शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, ठीक है, good night sir.